सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप कहोगे हमने तो सुना है कि अधर्म धर्म भी भगवान से उत्पन्न हुआ, तो अधर्म भी भगवान से उत्पन्न हुआ। हाँ, ये सत्य है कि धर्म भगवान के स्तनों से प्रकट हुआ, वक्षस्थल से प्रकट हुआ, अधर्म भी भगवान से प्रकट हुआ। पर कहाँ से हुआ ये आपने ध्यान से नहीं देखा। अधर्म की उत्पत्ति भगवान के पृष्ठभाग से हुई। कहाँ से हुई? भगवान के ही पीछे। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जहाँ पर भगवान की दृष्टि नहीं पड़े। इसका यह मतलब नहीं कि भगवान की दृष्टि वहाँ नहीं पड़ती। भगवान की तो दृष्टि सर्वत्र है, वो सहस्त्राक्ष है, अनंत अनंत नेत्र हैं, अनंत अनंत मस्तिष्क हैं, अनंत अनंत हाथ हैं, अनंत अनंत पैर हैं, उसकी दृष्टि सब जगह है। पर सामान्य दृष्टिकोण से परमात्मा की सामने अधर्म की आने की हिम्मत नहीं, इसलिए अधर्म और भगवान के अलावा तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ प्रकट होगा भगवान से ही हुआ है। जो भी आपको दिखाई देता है अथवा नहीं दिखाई देता है, सब कुछ भगवान ही तो बने। भगवान के अलावा तो कुछ था ही नहीं। जैसे सोने से बना हुआ हर सामान सोने का है, चांदी से बना हुआ हर सामान चांदी का, मट्टी से बना हुआ हर सामान मट्टी का है, ऐसी चराचर जगत परमात्मा के द्वारा निर्मित है। मतलब परमात्मा ने ही अपने आप को, परमात्मा जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। हाँ, इसलिए परमात्मा ही जगत के रूप में निर्मित है, जीवात्मा के रूप में भी वही है। इसलिए वो परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, नाश्वर नहीं अविनाशी है, जड़ नहीं है चेतन है, मलयुक्त नहीं निर्मल है निर्विकार है, और सहज सुख राशि। सहज सुख राशि का तात्पर्य है आनंद का भंडार, आनंद का असीम अनंत अथा अगाध भंडार है। अब आप कहोगे वो हुआ क्या, फिर जीव दुखी क्यों है? अविनाशी होने के बाद में हाय मरेंगे, हाय मरेंगे, हाय में मरा, हाय में मरा है, चिल्ला क्यों रहा है? ये सज्जनों माया का कुसंग करने के कारण,